सांसद पति जी बतो चुनाव में कहले रहने कि जे हमरा के वोट ना दी हम ओकरा के पाकिस्तान भेज देम। 3 साल 3 साल होके जा रहल बा। एक आदमी के तो नाम बताई जेकरा के वहां के पाकिस्तान भेज ले होके। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, प्रणाम, गोलावतनी हम है राजा रवतनी मैच बॉक्स। एगो विवाद थमत नहीं खे सिवान में हनुमान चालीसा आ आजान। हमारे साथ बानी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आ 2 बार के लगातार सांसद सिवान से ओम प्रकाश यादव जी। सर बहुत बहुत स्वागत बना। राजा बाबू, आप रोड़ा टीम के पूरा सदस्य लोग के, रोड़ा दर्शक लोग के हमारा तरफ से बहुत बहुत शुभकामना बा। सीधा सवाल, ये मंदिर मस्जिद हनुमान चालीसा नमाज के राजनीति कब तक हुई? देखिए, जे काम ना करेला, जेकरा विकास में विश्वास नहीं है, उ अनर्गल आलाप करके जनता के भ्रमित करे खातिर इस तरह के मुद्दा उठावेला। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि के कर्तव्य बा कि 5 साल या 5 साल के पहले अपना काम के जनता के बीच लावल कि हम अमुक अमुक काम कैनी। सांसद आ सांसद पति के हम बयान सुनले बानी, हम ओकर निंदा करतनी। इससे कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है आ भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत हो, नारा हो, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मंदिर मस्जिद के बाद तो भाजपा ही उपटले भी है ना? ना ना, भाजपा नहीं उपटा। अबे राउरी एगो नेता ताजमहल गिरावे के बाद ताजमहल दरवाजा खोले के बात करता ना, तो भाजपा ही तो मंदिर मस्जिद के ना, 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 ना भाजपा मंदिर मस्जिद के अगर राजनीति करित तो वह देख ले ओखे कि जितना नरेंद्र मोदी जी योजना चलौले बनी कोनो जात और कोनो धर्म के आधार पर नहीं चलौले, सब लोग के ओमे समाहित कैले बनी। चाहे उजाला योजना होके, आयुष्मान योजना होके, सब जनधन योजना होके, सारा योजना में सब लोग के सहभागी बा। कहीं हिंदू मुस्लिम के बात वहाँ के नहीं कैले कि हिंदू के दियाई मुसलमान के ना दियाई, बैकवर्ड के दियाई फॉरवर्ड के ना दियाई, ए तरह के कोनो एगो योजना बताई। भाजपा के नारा हो सबका साथ सबका विकास। गठबंधन में तो रहो बने बिहार में जदयू के सांसद, जदयू के सांसद पति कहते कि जिसको नमाज पढ़ना है वो पाकिस्तान चला जाए, जिसको हनुमान जैसा पढ़ना है वो भारत। सांसद पति जी बतो चुनाव में कहले रहने कि जे हमरा के वोट ना दी हम ओकरा के पाकिस्तान भेज देम। 3 साल 3 साल होके जा रहल बा। एक आदमी के तो नाम बताई जेकरा के वहाँ के पाकिस्तान भेज ले होके। खुद वहाँ के धर्म ना मानी ने, धर्म ओकरा के कहल जला जे आस्था रखत होके, विश्वास रखत होके, निष्ठा होके, ओकरा के धर आलम्बी कहल जाला। यहाँ के तो ना धर्म पर विश्वास बा, ना आस्था बा, पितरपक्ष में शादी कलहनी आ कहीं टोपी पहन के नमाज पढ़ली ने, तो ई धर्म के परिभाषा ना भेल। धर्म के परिभाषा भेल कि हम अपना धर्म के प्रति निष्ठावान बानी, सतर्क बानी आ हमरा के कोनो पद देव, कोनो लालच देव हम दीगेम ना। हम पूछतानी रोड़ा से कि मुहर्रम में केहू मुसलमान, गरीब मुसलमान के लड़का के कहल जाए कि तू शादी कर लो, वो कतई ना करी, चूँकि मातम के चीज है। हमनिये में पितरपक्ष में हमने के अपना मृतक के परिजन के जल देनी जल देनी सो, वो अशुभ मानल जला। वो बेरा शादी ब्याह चाहे कोनो पुण्य काम ना होला, वो पीरियड में यहाँ के शादी कलहनी। धर्म के प्रति अगर निष्ठा रही यहाँ के तो ऐसा करती रोड़े माध्यम से हम पूछे के चाहते ना करते। लेकिन आज अपन कमी छुपावे खातिर चालीसा के बात करते हैं, जो कि भारत के संविधान में स्पष्ट अंकित बा कि हर धर्मावलंबी अपन अपन धर्म माने, ओमे केहू बाधा ना डाले, ये मौलिक अधिकार बा हमने के अपना। तो फिर ये तरह के बयानबाजी निंदनीय बा।